डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। आज हम थॉमस कैलकुलस की एक्सरसाइज 3.4 को स्टार्ट करने जा रहे हैं, और इन क्वेश्चंस में हमसे कहा गया है कि हमारे पास ये जो फंक्शंस हैं, हमें इनके डी वाई बाई डी एक्स यानी कि इनका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पर अगर आप इन क्वेश्चंस को गौर करें तो यहाँ पर हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो हैं वो आ चुके हैं, जबकि जो प्रीवियस क्वेश्चंस हम कर रहे थे उसमें हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इंक्लूडेड नहीं थे। तो यहां पर अगर आपको इन फंक्शंस का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, तो उससे पहले आप लोगों को जो ये हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, जैसे कि कॉस एक्स है, इसका क्या डेरिवेटिव होता है ये आपको याद होना चाहिए। कॉस का डेरिवेटिव होता है साइन, सॉरी माइनस साइन, साइन का होता है कॉस, इसी तरह टेंजेंट का होता है क्या होता है, ये सारे आपको याद होने चाहिए। अगर आपको नहीं याद है तो क्वेश्चंस करते हुए ही मैं आप लोगों को साथ साथ बताती रहूंगी, बट बेहतर यही है कि आप एक दफ़ा उसको क्विकली रिव्यू कर लीजिए। अगर याद नहीं भी है अपने सामने, आप इन जो फॉर्मूलाज हैं उसको खोल कर रख लीजिए ताकि आपको क्वेश्चन समझने में आसानी हो। सो अब हम क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। यहाँ पर हमें फंक्शन गिवन है वाई इक्वल्स टू माइनस टेन एक्स प्लस थ्री कॉस एक्स, ठीक है, और हमें इसका क्या फाइंड आउट करना है, डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल जो है वो एक्स है, तो हम लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ y is equals to, यहाँ पर भी हम लिखेंगे d by dx of इस पूरे का, तो हम लिखेंगे माइनस टेन एक्स प्लस थ्री कॉस एक्स, यानी हमने क्या किया है, दोनों तरफ डेरिवेटिव लगा दिया है। अब हम इसको डेरिवेट करेंगे, तो डेरिवेट जब हम करेंगे तो यहाँ पर आप देखिए माइनस टेन को आप एज इट इज़ बाहर लिख लें एज अ कॉन्स्टेंट, और x का जो डेरिवेटिव आएगा वो आएगा 1। फिर प्लस थ्री को आप एज इट इज़ लिख लीजिए एज अ कॉन्स्टेंट, और उसके बाद कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, और फिर एक्स है तो इसके साथ आप एक्स लिख दीजिए, ठीक है, यानी कि कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या है, माइनस साइन एक्स। अब यहाँ पर आपने सिंपली क्या करना है, इसको आपने सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई करके लिख देना है, तो ये हो जाएगा माइनस टेन माइनस थ्री साइन एक्स। तो ये हमारे पास डेरिवेटिव आ चुका है। बहुत आसान सा पहला क्वेश्चन था, अब हम मूव करेंगे सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। सो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पर भी आपके पास जो वेरिएबल है वो क्या है, एक्स है, तो आपने यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, आपने दोनों तरफ डेरिवेटिव लगाना पड़ेगा, यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ, इसको आप लिख लें थ्री अपॉन एक्स को, थ्री एक्स की पावर माइनस वन, ठीक है, फिर प्लस फाइव साइन एक्स आपने एज इट इज़ लगा दिया। अब आप सिंपली इसको डेरिवेट करेंगे, तो डेरिवेट करने के लिए थ्री एज इट इज़ आ जाएगा, एक्स की पावर माइनस वन के ऊपर हमने अप्लाई करना है पावर रूल, तो पावर रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है, पावर नीचे आ जाती है, पावर में से वन सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो माइनस वन विल बिकम माइनस टू, ठीक है, फिर प्लस फाइव को आपने एज इट, अच्छा ये ब्रैकेट मैं क्लोज कर दूँ, फाइव को आपने कॉन्स्टेंट के तौर पर बाहर लिख दिया, साइन का डेरीवेटिव होता है कॉस, तो क्योंकि ये साइन एक्स है तो इसका डेरीवेटिव आ जाएगा कॉस एक्स, ठीक है। सो यहाँ पर अब आप मल्टीप्लाई कर ले, तो ये हो जाएगा माइनस थ्री, और इस एक्स को आप नीचे ले जाइए तो ये हो जाएगा माइनस थ्री अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस फाइव कॉस एक्स। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का भी डेरिवेटिव आ चुका है। तो ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। स्टूडेंट्स, यहाँ पर अब मैं आप लोगों को एक चीज़ बताती हूँ, यहाँ पर ये जो सी एस सी है ये बेसिकली कॉसेक है, आई होप आप लोगों को ये बात पता होगी। अच्छा, मैं जो अपने स्टूडेंट्स को करवाती हूँ, वो मेरा तरीक़ेकार क्या होता है, मैं उनसे कहती हूँ कि यहाँ पर जो भी वेरिएबल है ना उसको आप बॉक्स कंसीडर करें, ठीक है। बॉक्स कंसीडर करने से क्या होता है कि अगर आपके पास यहाँ पर वेरिएबल भले एक्स के बजाय कोई भी आ जाए, टी आ जाए, डब्ल्यू आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो आपके माइंड में क्या होगा, बॉक्स के तौर पर अगर फॉर्मूला याद होगा तो आपको अप्लाई करना ज़्यादा आसान होगा। जैसे कि अभी मैं क्वेश्चन में आप लोगों को अप्लाई करके दिखाती हूँ, तो आपको खुद इस बात का आइडिया होगा। देखिए यहाँ पर क्योंकि वेरिएबल एक्स है, तो हम लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ इस पूरे का, तो इसको आप सबसे पहले एज इट इज लिख लें, इसको मैं लिख लेती हूँ कॉसेक एक्स माइनस फोर रूट एक्स प्लस सेवन। अब देखें यहाँ पर मैं इसको कॉसेक एक्स की जगह बोलूँगी कॉसेक बॉक्स, ठीक है, तो कॉसेक बॉक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉसेक बॉक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस कॉसेक बॉक्स कॉट बॉक्स, तो बॉक्स यहाँ पर क्या है, एक्स है, तो आप लिख लें माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स माइनस फोर, इसको जो है वो आप x की पावर हाफ ले लें, तो x की पावर हाफ के ऊपर अगेन आपने पावर रूल लगाना है, तो पावर रूल के अकॉर्डिंग पावर नीचे आ जाती है, पावर में से वन सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो ये आपके पास बन जाएगा माइनस हाफ, ठीक है, और फिर प्लस सेवन क्योंकि कॉन्स्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव आ जाएगा ज़ीरो। आई होप कि आप लोगों को यहाँ पर
ये बात समझ में आ गई होगी कि मैंने इसको बॉक्स क्यों कहा था। बॉक्स कहने से क्या होता है कि आपको फॉर्मूला लिखना आसान हो जाता है। जैसे कि अगर यहाँ पर x है तो आप x लगा दो, t है आप यहाँ पर t लगा दो, y है आप यहाँ पर y लगा दो, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि वेरिएबल आपका हर दफ़ा x हो, आपका वेरिएबल चेंज भी हो सकता है। ठीक है, तो बॉक्स की तरह से अगर आप फॉर्मूला याद रखेंगे तो आपके खुद के लिए आसान होगा। अगर आप नहीं याद रखना चाहते तो जैसे आपको सहूलत है आप उसी तरह से याद रख सकते हैं। ठीक है, सो अब यहाँ पर आप इसको सिंप्लीफाई कर लें तो ये आपके पास हो जाएगा माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स, और फिर ये फोर और टू एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा माइनस टू अपॉन एक्स की पावर हाफ। ठीक है, आप इसको नीचे लेकर आ जाएंगे तो यही आपके पास जो है वो आंसर है क्वेश्चन नंबर थ्री का। अब हम मूव करेंगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो यहाँ पर ये हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको करने के लिए भी आपको सबसे पहले वेरिएबल आपके पास यहाँ पर क्या है, x है, तो आप लिखेंगे d बाय डी एक्स ऑफ y इज इक्वल्स टू d बाय डी एक्स ऑफ, और ये पूरा एज इट इज आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर कॉट x माइनस x की पावर माइनस टू कर लें आप इसको। ठीक है, तो इस तरह से आपको अब सॉल्व करना होगा। अब यहाँ पर आपने डेरिवेटिव लगा दिया, अब आपको क्या करना है, डेरिवेट करना है। तो आई होप कि अब आप लोगों को डेरिवेटिव्स के क्वेश्चंस कर करके इतना तो आइडिया हो गया होगा कि यहाँ पर ये जो दोनों फंक्शंस हैं, क्योंकि मेरे पास एक्स स्क्वायर भी वेरिएबल है, कॉट एक्स भी मेरे पास एक्स है ना, तो उसकी वजह से ये दोनों ही वेरिएबल बन चुके हैं। ठीक है, तो अब इन दोनों के ऊपर मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। मैं ऐसा नहीं कर सकती कि मैं एक्स स्क्वायर को कांस्टेंट के तौर पर बाहर ले आऊँ। क्यों? क्योंकि ये वेरिएबल है, इसको मैं कांस्टेंट के तौर पर बाहर नहीं ला सकती। इसलिए मुझे इन दोनों के ऊपर क्या लगाना पड़ेगा, प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। एंड अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट रूल, अभी आप सिर्फ इसको फोकस करें, ठीक है। अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट रूल हमारे पास क्या होता है, अगर ये यू है और ये वी है मेरे पास, तो यू एज इट इज मीन्स एक्स स्क्वायर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ वी, यानी कि कॉट एक्स का डेरिवेटिव। तो कॉट का डेरिवेटिव आपके पास होता है माइनस कोसेक स्क्वायर, और एक्स है तो साथ में एक्स आ जाएगा, ठीक है। और फिर प्लस का साइन आता है वी एज इट इज, तो वी क्या है मेरे पास, कॉट एक्स है, और डेरिवेटिव ऑफ यू, तो यू क्या है, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, टू एक्स होता है, सही है। अब अगर आपको कन्फ्यूजन हो रही है तो आप यहाँ पर ये वाला ब्रैकेट भी यूज़ कर सकते हैं कि भाई ये वाला जो डेरिवेटिव आया है मेरा वो इसका आया है और अभी इसका बाकी है, तो माइनस ये वाला एज इट इज़ लगाया और एक्स की पावर माइनस टू के ऊपर आप पावर रूल अप्लाई करें, तो पावर रूल के अकॉर्डिंग पावर नीचे आ जाती है, पावर में से एक सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो ये बन जाएगा एक्स की पावर माइनस थ्री। ठीक है, अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लें तो सिंप्लीफाई करने पर आपके पास हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस टू एक्स कॉट एक्स, और ये माइनस माइनस प्लस टू अपॉन एक्स क्यूब, सही है। तो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास आंसर आ गया है। अब हम चलेंगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फाइव। बट बिफोर वी डू दिस क्वेश्चन स्टूडेंट्स, आई रिक्वेस्ट यू गाइस कि अगर आप लोग चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करिए, और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को भी लाइक करिए और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आप लोग मुझे इसी तरह से मोटिवेट करते रहेंगे तो मैं डेली बेसिस पर आप लोगों के लिए ये वाले टॉपिक की वीडियोज़ लेकर आती रहूँगी। सो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर फाइव जो है उसको करना आपके हाथ में है। आप इसको आसान तरीके से भी कर सकते हैं और आप इसको मुश्किल तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, आसान तरीका क्या है जो कि मैं आपको सिखाने वाली हूँ, मुश्किल तरीका मैं आपको नहीं बताऊंगी क्या है, आपको खुद देखकर आइडिया हो गया होगा कि मुश्किल तरीका क्या है। अगर आइडिया हो गया तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आप इस क्वेश्चन नंबर फाइव को कौन से तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पर आपको दोबारा से डेरिवेट करना है। यहाँ पर आपका जो वेरिएबल है वो एक्स है, तो आप लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ, और ये पूरा एज इट इज आ जाएगा आपके पास, तो यहाँ पर आप लिखेंगे sec x प्लस टेन एक्स, और उसके बाद फिर sec x माइनस टेन एक्स। ठीक है, यहाँ पर इसको हमने लिख लिया। अब हमें इसको डेरिवेट करना है, तो डेरिवेट करने से पहले आप लोगों ने एक काम करना है, और वो क्या करना है, आपने इस sec x को इससे भी मल्टीप्लाई करना है, इससे भी, सिमिलरली tan x को इससे भी मल्टीप्लाई करना है और इससे भी। तो जब तक हम डेरिवेट कर नहीं देते हम डी बाई डी एक्स को लिखते ही रहेंगे, सही है। डी बाई डी एक्स ऑफ, अब यहाँ पर आप मल्टीप्लाई कर लें तो ये क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x, और फिर यहाँ पर जब आप sec और tan को करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस sec x tan x। सिमिलरली tan को आप इससे करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस tan x sec x, और ये प्लस माइनस माइनस tangent square x। ठीक है,
अब यहाँ पर आपके पास ये दोनों टर्म्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगी एंड यू विल बी लेफ्ट विद ओनली डी बाई डी एक्स सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आपको एक फॉर्मूला याद हो तो हमने पढ़ा है कि sec square x जो है वो इक्वल होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स की। तो यहाँ पर मैं sec square x की जगह लिख सकती हूँ d by dx of 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स और ये माइनस टेन स्क्वायर एक्स एज इट इज़ लिख दिया। तो यहाँ पर टेन स्क्वायर एक्स से टेन स्क्वायर एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा एंड यू विल बी लेफ्ट विद ओनली डी बाई डी एक्स ऑफ वन विच इज़ इक्वल टू जीरो क्योंकि वन आपके पास कॉन्स्टेंट है। तो ये देखिए आप कि हमने कितने आसानी से क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व कर लिया है। आप लोग मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताएं कि अगर मैं इस मेथड को यूज़ ना करती तो वो कौन सा सेकेंड मेथड है जिसके थ्रू मैं इस क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व कर सकती थी। ऑल्दो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता बट आप लोग मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। ठीक है, उसके बाद अब हम मूव करेंगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि है क्वेश्चन नंबर 6। सो स्टूडेंट्स, अगेन यहाँ पर भी हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। एक थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए और एक इजी तरीका है जो कि मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले आप क्या कर लें कि आप जो है वो इस sec x को इन दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई कर लें। तो आप लिखेंगे y इक्वल्स टू साइन x इंटू sec x प्लस, अब इससे मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा cos x इंटू sec x। ठीक है, अब आपको पता है कि sec जो है वो बेसिकली हमारे पास क्या होता है, 1 ओवर cos होता है। तो आप जहाँ पर भी sec है आपका ना उसको 1 ओवर cos में कन्वर्ट कर दें। तो ये हो जाएगा y इक्वल्स टू साइन x एज इट इज़, ये आपके पास हो जाएगा 1 ओवर cos x, फिर प्लस cos x एज इट इज़ sec की जगह आप लिख दें 1 ओवर cos x। तो इससे हमारे पास फ़ायदा क्या हुआ कि ये cos x इस cos x को कैंसिल आउट कर देगा एंड यू विल बी लेफ्ट विद ओनली y इक्वल्स टू साइन एक्स ओवर, अच्छा एक मिनट, साइन ओवर कॉस, इसको आप टेंजेंट एक्स कर लें। ठीक है, फिर प्लस ये कॉस इस कॉस को कैंसिल आउट कर देगा एंड यू विल बी लेफ्ट विद ओनली वन। तो आपके पास क्या बच गया, वाई इक्वल्स टू टेन एक्स प्लस वन। तो अब आपने इसको डेरीवेट करना है, तो डेरीवेट करने के लिए आप दोनों साइड पर डेरीवेटिव लगाएंगे। तो ये आपके पास हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ टेंजेंट एक्स प्लस वन। सही, अब आप इसका डेरिवेटिव निकाल लें। तो आपको पता है कि जो टेंजेंट है उसका डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर और यहाँ पे क्योंकि x है तो आप इसको x कर लें, फिर प्लस क्योंकि 1 कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव आएगा 0। तो आपका जो आंसर है वो क्या आया है, आपका आंसर आया है sec स्क्वायर x और ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब हम मूव करेंगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो यहाँ पर हमारे पास आ चुका है क्वेश्चन नंबर 7। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर को 7 अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं उसके भी अगेन आपके पास दो मेथड्स हैं। पहला मेथड ये है कि आप इसके ऊपर जिस तरह से आपको नज़र आ रहा है कि डिवीजन रूल लगेगा, आप डिवीजन रूल अप्लाई कर दें और डिवीजन रूल के अंदर जो फर्दर आपके पास कॉट एक्स और ये सारी चीज़ें हैं जिनका डेरिवेटिव आपको निकालना है आप वो निकाल लें। ठीक है, सेकंड तरीकाकार क्या है कि आप इस 1 प्लस कॉट एक्स को ऊपर लेकर चले जाएँ और इसका जो है वो इन दोनों के ऊपर आप कौन सा लगा लें, मल्टीप्लीकेशन या जो प्रोडक्ट रूल आपके पास कहलाता है वो लगा लें। लेकिन यहाँ पर मैं जो करने जा रही हूँ वो मैं डिवीजन रूल ही अप्लाई करूँगी। अगर आप चाहते हैं तो आप प्रोडक्ट रूल खुद से इसके ऊपर अप्लाई करके आंसर चेक कर सकते हैं, आपके आंसर सेम आएंगे। ठीक है, तो यहां पर हमने जो डिवीजन रूल पढ़ा है वो क्या पढ़ा है, यहां पर मैं इसको y प्राइम लिख रही हूं सिंपली। ठीक है, ये वाले जो स्टेप्स है ना d बाई डी एक्स लगाने वाली, ये आप खुद से कर दीजिएगा, टाइम जाया करते हैं ये स्टेप सिर्फ। अच्छा, यहां पर मैंने सिंपली y प्राइम लिख दिया जिसका मतलब है कि मैं इसका डेरिवेटिव लेने जा रही हूं। तो u अपॉन v रूल के अकॉर्डिंग अगर आपके पास ये u है और ये v है तो डिनोमिनेटर में आपके पास v स्क्वायर आता है, यानी कि 1 प्लस cot x का स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पर v एज इट इज़ आता है तो 1 प्लस cot x लिख दीजिए आप। ठीक है, और डेरिवेटिव आता है u का, तो यहाँ पर u आपके पास है cot x जिसका डेरिवेटिव आपके पास होता है माइनस cosec स्क्वायर x। सिमिलरली यहाँ पर आता है आपके पास माइनस का साइन, उसके बाद आपके पास जो है वो यहाँ पर आपका ये वाला एज इट इज़ आ जाता है u एज इट इज़। तो u क्या है आपका, cot x, वो आपने लिख दिया एज इट इज़। और यहाँ पर आपके पास जो है वो किसका आता है डेरिवेटिव, v का। तो v क्या है, 1 प्लस cot x। अब यहाँ पर 1 का जो डेरिवेटिव आएगा वो आएगा 0, तो उसको मैं नहीं लिखूंगी। cot x का डेरिवेटिव आपके पास अगेन माइनस cosec स्क्वायर x आ जाएगा, तो यहाँ पर हमने लिख लिया। अब आपने सिंपली क्या करना है, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन करनी है और आपका क्वेश्चन ऑलमोस्ट सॉल्व हो चुका है। तो यहाँ पर आप मल्टीप्लाई कर लो, ये आपके पास बन जाएगा माइनस cosec स्क्वायर x माइनस cot x cosec स्क्वायर x, सॉरी। ठीक है, फिर माइनस और माइनस ये प्लस
कॉट एक्स कॉसेक स्क्वायर एक्स और डिनोमिनेटर आपके पास एज इट इज आ जाएगा, दैट इज वन प्लस कॉट एक्स का होल स्क्वायर। अब आप देखें तो ये दोनों सेम टर्म्स हैं विद ऑपोजिट साइंस, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगी और आपके पास क्या बचा है, आपके पास बचा है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स और डिनोमिनेटर में आपके पास क्या है वन प्लस कॉट एक्स का होल स्क्वायर, और ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 जो है उसका आंसर आ चुका है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने एक्सरसाइज 3.4 के 7 क्वेश्चन तक सॉल्व किया है। नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में मैं इसके फर्दर क्वेश्चंस को सॉल्व करूँगी अगर मुझे आप लोगों की तरफ से अच्छा रिस्पांस मिलेगा। सो आई होप कि ये लेक्चर वीडियो आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर कोई क्वेरी है आप उनसे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकती हैं, मेरा कॉमेंट सेक्शन आप सबके लिए खुला हुआ है। जाने से पहले चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को भी लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके।